प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर को, और सबसे अधिक ये हमारे लिए विशेष मौका है क्योंकि साल बीत चुका है और ये अंतिम महीना है सारे साल के बीतने के बाद। तो ये प्रभु की असीम कृपा है हम सब के लिए कि हम इस साल के अंतिम महीने में प्रभु के इस समय को एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, हालेलुया, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना करें पहले, ताकि किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज पे हम सबको ये लाइव सेशन में जोड़ा है। परमपिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। आप अपने कंट्रोल में ले, जुम्बिश करें, अपने पवित्र लहू के बाड़े में हम सबको सुरक्षित करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज का वचन प्रभु आपके संतानों को, आपके सभी बेटे बेटियों को आपके प्रेम से रूबरू कराए, आपका पवित्र स्पर्श सबको प्राप्त हो पिता परमेश्वर। और वो जो अंधकार में बैठे हैं प्रभु, उन्हें वो ज्योति पाए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। सभी व्यूअर्स को, सभी लाइव सेशन में जुड़ने वाले भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को बहुत बहुत आशीष प्रभु की। और विशेष प्रार्थना ब्रदर अनुपम डेविड जी के लिए और सिस्टर शबनम डेविड जी के लिए, जो आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज की इस मिनिस्ट्री में समय समय पर सभी को ये मौका देते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूँ, कि हम सब मिलते हैं और प्रभु के वचन को शेयर करते हैं, प्रभु की वाणी को शेयर करते हैं। और ये क्रिसमस का, ये उत्सव का समय चल रहा है। जैसे जैसे क्रिसमस टाइम निकट आएगा, और हम जानते हैं कि हम लोग और व्यस्त हो जाएंगे, और आज का जो संदेश है प्रभु के जन्म के इस उत्सव के लिए है, क्रिसमस के लिए है, एडवेंट सीजन के लिए है, कि हम इस एडवेंट सीजन में किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहली चीज जो हम वचन में सीखते हैं उनको मैं आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ, फिर वर्ड में चलेंगे। सबसे पहली चीज ये है प्रियो, कि जो हम वचन में देखते हैं कि जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति को देखा। और ये परमेश्वर की योजना है कि आज भी जो अंधकार में है, चाहे वो पाप गुनाह का अंधकार हो या बुराई का अंधकार हो, कमजोरियों का अंधकार हो, बीमारियों का अंधकार हो, दुख का अंधकार हो, आपके जीवन में कोई भी ब्रोकननेस हो, कोई ऐसा दुख हो जो ये साल में आप ओवरकम नहीं कर पाए, तो ये मौका होगा हम सब के लिए कि इस क्रिसमस, इस एडवेंट सीजन में, ये दिसंबर का महीना जो ये साल जाता है, इसके साथ वो सारे बंद, वो बंधन, वो ऑब्स्टिकल्स, वो सारी दीवारें जो दुष्ट ने लगाई हैं, वो सब के सब नेस्तु नाबूद हों। आज का ये वचन और ये आशीष वचन बन के आप सबके जीवन में फलवंत हो, इसी प्रार्थना के साथ चलते हैं। पहली चीज हम आज वचन में से देखेंगे कि किस तरह से वो लोग जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को पाया, और शांति किसको और आनंद किसको प्राप्त हुआ, वो जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उनको वो आनंद और शांति प्राप्त हुई। आनंद उस अद्भुत युक्ति करने वाले की, और शांति उस शांति के राजकुमार की। हालेलुया,
क्योंकि ढूंढ तो बहुत रहे थे उस यीशु मसीह, यीशु नासरी को ढूंढ तो बहुत रहे थे, लेकिन प्रियो हम जानते हैं कि सबकी अलग अलग फितरत थी, अलग अलग नियत थी और अलग अलग उनकी मंशा थी. सो वॉट इज आवर एम वाइल वी आर इन आवर लाइव्स, वी आर सर्चिंग फॉर गॉड ऑलमाइटी. आज मनुष्य भी परमेश्वर के मार्ग को खोज तो बहुत रहा है, बहुत से प्रश्न लेके घूमता है, बहुत से ऐसे मार्गों को ढूंढ रहा है, हर तरीके से शोध कर रहा है, मनोवैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि परमेश्वर के मार्ग को वो समझ सके. परमेश्वर क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, प्राण और आत्मा का क्या संबंध है देह से. बहुत सारे चीजें आज मनुष्य सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं प्रभु को. उनकी मंशाएं अलग अलग हैं. आज हम सोचेंगे इस क्रिसमस पे, इस एडवेंट सीजन में, हम आज हर एक तैयारी को जब करते हैं तो हम सोचें कि क्या हम इन सब के द्वारा से अपने प्रभु को ढूंढ रहे हैं. और अगर ढूंढ रहे हैं तो इन खुशियों में, इन छोटी छोटी खुशियों में यदि हम अपने प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो वो प्रभु को किस मंशा से ढूंढ रहे हैं. हालेलुया. अगर हम देखें तो वो तीन राजा, थ्री वाइज किंग्स, जो सितारों के मार्गदर्शन के, तारे के मार्गदर्शन के द्वारा जो पूर्व में दिखाता उन्हें, वो ढूंढते ढूंढते नबूकदनेस्सर के पास आए. और वो राजा के पास जब आते हैं और वो सोचते हैं कि यहूदियों का राजा तो राजा के महल में ही पैदा होना चाहिए, तो वो राजा से पूछते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है. हमें जो मानव जाति, जिस बालक के पैदा होने का पूरी मानवता इंतजार कर रही थी, उस मसीहा के पैदा होने के चिन्ह प्राप्त हुए हैं. और वो नबुवत करने वाले, वो तारों को देखने वाले, वो पंडित, वो पुरोहित जो अपने नक्षत्रों में देखते थे और उन्होंने सितारे को देखा और उन्हें वो भविष्यवाणी को वो समझ गए और वो पूरब दिशा में उस चमकते हुए तारे को फॉलो करते करते आ गए उस स्थान में, यरूशलेम में, गॉड्स प्लेस, प्रभु के जन्म का स्थान. तो वहां पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर पिता की वो अद्भुत योजना को ढूंढते हुए, उस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास उस आशीष को लेने के लिए जाना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे, उस मार्ग को ढूंढ रहे थे, प्रभु के जन्म के स्थान को ढूंढ रहे थे. और वो जब राजा के पास जाते हैं तो राजा को ये खबर थी ही नहीं कि कोई यहूदियों का राजा, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला परमपिता परमेश्वर का पुत्र इस अद्भुत युक्ति से इस संसार में पैदा हो चुका है. और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से जब राजा को पता लगा तो उसने भी उस यीशु नासरी को ढूंढना शुरू कर दिया, उस मसीहा को ढूंढना शुरू कर दिया जिसके लिए कहा था कि वो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है. और उसको लगा कि मेरा तो ये तख्त हिल जाएगा, तो मुझे पता लगाना चाहिए. लेट मी सर्च आउट हु इज माई एनमी, कौन मेरे इस तख्त को लेने के लिए पैदा हो चुका है. वो अपनी एक इनसिक्योरिटी, अपने उस फियर और एक लालच और ईर्ष्या और द्वेष में पागल होके वो उस बालक यीशु को ढूंढ रहा था और ढूंढवा रहा था. वहीं पर प्रियो हम भी देखते हैं कि जब हम
आज इस संसार में है तो कुछ भय व्याप्त होते हैं हमारे अंदर, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, मैं सुरक्षित हूं कि नहीं हूं, ऐसे बहुत से मोटिव्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम अपने प्रभु को ढूंढ रहे होते हैं। अपने परमपिता परमेश्वर को ढूंढ रहे होते हैं। वो तीन राजा दंडवत करने के लिए, सोना मुर लोबान चढ़ाने के लिए, प्रभु की उस अद्भुत योजना की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उस बालक यीशु को, राजा यीशु को ढूंढ रहे थे। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। हालेलुया। हम सब भी आज इस बात के लिए मनन करें, सोचें आज, विचारें आज कि हम सब इस एडवेंट सीजन में आज सोचेंगे कि हम सब किस वजह से प्रभु को खोज रहे हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर जीवित कलाम कहता है, प्रभु तो ऐसे खोजियों को प्रेम करते हैं जो उसकी आराधना पूरे आत्मा की सच्चाई और मन की गहराई से करते हो, जो उससे प्रेम करते हैं। प्रभु अपने प्रेमियों को खोज रहे हैं और हम प्रभु को खोज रहे हैं तो अपनी आवश्यकताओं के लिए खोज रहे हैं, अपने लाभ के लिए खोज रहे हैं। और शायद बहुत से तो ऐसे होंगे जो प्रभु से भी शिकवा गिला करके उसे लड़ने के लिए उसे खोज रहे होंगे। मनुष्य कम पड़ जाते हैं कभी कभी, तो हमें परम पिता परमेश्वर से भी लड़ने का मन करने लगता है कभी कभी। तो ऐसे भी होते हैं बहुत से संसार में मनुष्य, मगर उस समय पर हम चलेंगे उस बैतलहम में जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और बहुत से लोग खोज रहे हैं, गरड़िये भी खोज रहे हैं। वो गरड़िये खोज रहे हैं क्योंकि स्वर्गदूतों ने आकर उनको ये ऑनर दिया, उन बिल्कुल अनएग्जिस्टिंग, अनरिकग्नाइज, बिल्कुल सिंपल लिविंग पीपल, कॉमन पीपल को आकर उन्होंने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुना दी, सुसमाचार सुना दिया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी अपनी बेहतरीन भेंटों को लेकर अपने जानवरों में से, अपने और चीज़ों का उसको भेंट चढ़ाने के लिए बालक को उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ गौशाले में यीशु मसीह चरनी में रखे हुए हैं। तो हम सब के लिए ये क्रिसमस बहुत ही आशीष भरा हो। इस क्रिसमस में हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह को खोजें, क्योंकि अब जो द्वितीय आगमन है प्रभु का, वो एक दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं दूल्हे की तरह से। तो दुल्हन के अंदर तो सिर्फ प्रेम होना चाहिए अपने दूल्हे के लिए, वो सिंगार होना चाहिए आत्मा के नौ फलों का, जैसे हम वचन में अब देखते हैं कि किस तरह से जो अंधकार में थे उन्होंने बड़ी ज्योति को देखा। मती रचित सुसमाचार और उसका 16वां पद, मती रचित सुसमाचार उसका 4वां पद, 16वां, 4वां अध्याय 16वां पद, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति को ज्योति देखी। आज इस समय पर, आज के इस संदेश को प्रभु की ओर से आप एक अपने लिए रेमा वर्ड मानिए
कि हम सबके जीवन में आज जो भी अंधकार है, आज की ये वचन, ये आयत, ये वर्स प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में प्राप्त हुई है, उन लोगों के लिए जो अंधकार में है, दुख के अंधकार में है, कोई नहीं है उनके दुख को सुनने के लिए, कोई नहीं है उनके दुख को बांटने के लिए, कोई नहीं है उनकी कमजोरियों से उनको अलग करने के लिए, कोई नहीं है उनको सहारा बन के उन्हें सहारा देने के लिए, उनके टूटे मन को जोड़ने के लिए, कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है उनके लिए। प्रभु का इस एडवेंट सीजन में संदेश है, और वो संदेश ये है कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति को देखा, जो लोग ज्योति में बैठे थे उन्होंने ज्योति को नहीं देखा, जो लोग बहुत ही रिजेक्टेड थे, जो लोग डेजर्टेड थे, जो लोग ब्रोकन थे, जो अंधकार में थे, चाहे वो पाप गुनाह के उस अंधकार में होंगे कि वो सोचते होंगे कि कैसे हम इस पाप के जीवन से निजात पा सकते हैं, मेरे तो गुनाह बहुत हैं, मैं तो एक गुनहगार हूँ, पापी हूँ, क्या मुझे प्रभु की ज्योति प्राप्त होगी। जो बंधनों में है वो एक अंधकार है, और किसी भी तरह का कोई भी अंधकार प्रभु ने हमारे लिए ऐसा नहीं छोड़ा जिसे ओवरकम ना किया हो, हर एक अंधकार को ओवरकम किया। और लिखा है कि जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन्होंने उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम सब प्रियो इस समय, इस एडवेंट सीजन में प्रभु के संदेश को प्राप्त करें कि यदि हमारे परिवार, हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे चर्चेस में, हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे स्वयं जीवन में किसी भी प्रकार का अंधकार है, वो आज ज्योति पाएंगे। उन पर प्रभु की ज्योति चमकी है, उन पर प्रभु की ज्योति चमकी है। हालेलुया। और जब हम पर प्रभु की ज्योति चमकी है तो उस ज्योति को प्राप्त करने से हमें वो सामर्थ्य मिलती है कि हम मन फिरा सकते हैं, हम मन फिराएं। प्रभु की इच्छा है प्रभु के इस संसार में आगमन का, पैदा होने का, उनके इस संसार में इस अद्भुत रीति से प्रकट होने का उद्देश्य है कि मानव जाति मन फिराए, कलीसियाएं मन फिराएं, चर्च मन फिराए, प्रभु की दुल्हन मन फिराए, देश देश के लोग मन फिराए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और स्वर्ग का राज्य प्रियो हमारी हर मसीही की, हर मनुष्य के लिए एक मिरास है जो प्रभु में सेत मेत दी गई है, जो हमको प्राप्त है प्रभु के बलिदान के द्वारा से। प्रभु का इस संसार में आना, कलवरी क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त होना और तीसरे दिन जीवित होके स्वर्ग आरोहण, अपने पिता के, परम पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ वो आज बैठे हैं। इससे पहले कि वो मृतक और जीवितों का इंसाफ करने को आए, वो अपने प्रजा को, अपने लोगों को, अपनी देह को
लेने के लिए आएंगे, कि जहां वो है वहां हम भी रहें। और पिता परमेश्वर हमसे, हमें पसंद करेंगे, हमसे प्रेम करेंगे, क्योंकि हमने भी पुत्र से प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम सब प्रभु को खोजें तो उसको दंडवत करने के लिए, उसकी प्रशंसा स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, क्योंकि वही स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य परमपिता परमेश्वर हैं। और हमारे सब दुखों को उन्होंने कलवरी क्रूस पे जान दे के हमारे लिए ले लिया और हमको ये अनंत जीवन की मिरास दी है। हम उसमें आनंदित रहें। परमेश्वर का ये एक उपहार, ये तोहफा प्रभु यीशु मसीह एक छोटे बालक की तरह से मानव जाति को मिला, ये सुंदर बहुमूल्य तोहफा हम सबको मिला है पिता के प्रेम के एक एग्जिस्टेंस, एक एवरलास्टिंग लव, अनकंडीशनल लव जो प्रभु का है, उसमें आज हम सीखें और आज हम इस बात के लिए विश्वास करें कि जब हम पिता को प्रेम से ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। अपने हृदय में अपनी सारी चिंताओं से अपने को खाली कर दें, मुक्त कर दें, ना सोचें किसी और बात के लिए। प्रभु सब कुछ पूरा करने वाले हैं। भजन संहिता में लिखा है कि वो हमारे वो स्थान, परमेश्वर पिता का वो स्थान वो हमें दिया गया है, उनका निज भाग हमारी आशीषों का कारण है। वो शालेम, वो यरूशलेम, वो सियोन, शालेम जिसे पहले प्राचीन काल में जो शालेम, आज उसे हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं, प्रभु के जन्म का स्थान, प्रभु का स्थान वो हमारा हृदय हो। और जब हम प्रभु को प्रेम से खोजें आज तो उन्हें प्राप्त करें, अपने हर एक प्रश्न के उत्तर को हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम प्रभु को पा लेंगे। क्योंकि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आज हम किस शांति की तलाश में हैं? किस शांति को हम चाहते हैं? भौतिक वाद में शांति नहीं है। ये संसार तो हमारी शांति को छीनने के लिए है, शरीर तो शांति के विरोध में कार्य करता है, परंतु हमारे पिता ने, हमारे प्रभु ने संसार को जीत लिया है। तो हमें आनंदित रहना है और इस बात को याद रखना है कि शांति किसके पास है। आकाश में परमेश्वर की महिमा और धरती पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन लोगों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो आज यदि हमें प्रभु की वो शांति, अनंत काल की शांति प्राप्त है प्रियो, तो हम इस बात के लिए श्योर रहें कि प्रभु हमसे प्रसन्न है। प्रभु हमसे प्रसन्न है और इसलिए आज हम प्रभु की उस अनंत काल की उस आत्मिक शांति को, उस शांति के राजकुमार की उस शांति को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में कैरी करते हैं, लेके चलते हैं। संसार में बहुत से चैलेंजेस होंगे, परंतु हम प्रभु की उस शांति को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इस छोटे से संदेश के साथ आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको खोजते हैं उस प्रेम से। आज आपके बच्चे, आपकी संतानें, आपका निज भाग, आपकी देह प्रभु आपको खोज रही है सच्चे मन से, प्रेम भरे हृदय से।
प्रभु दंडवत करने के लिए, आपको स्तुति आराधना करने के लिए, महिमा के लिए प्रभु, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य परमपिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर आप ही हैं। आपका प्रेम अलौकिक है, अनंत काल का है प्रभु। ऐसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, आपका ये अगापे प्रेम प्रभु। आपकी दुल्हन जानती है और आपकी बाट जोहती है प्रभु, पिता परमेश्वर। और वो लोग प्रभु जो अंधकार में आज बैठे थे, उन्होंने आपकी ज्योति को पाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो अंधकार से आज ज्योति की ओर आए हैं पिता, और उन्होंने अपना मन फिराया है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है पिता परमेश्वर। क्योंकि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और धरती पर उन लोगों में, उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, शांति हो प्रभु। आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं, जिनसे आप प्रसन्न है पिता, जिनसे आप प्रसन्न है मैं परम पिता परमेश्वर। उनके पास आपकी आज अलौकिक शांति पहुंच रही है, आपका पवित्र स्पर्श, आपका प्रेम, आपकी दया उन पर बनी है, क्योंकि वो प्रेम से, सिर्फ प्रेम से आपको खोजते हैं, किसी मंशा से नहीं खोजते प्रभु। खोज तो आपको वो राजा भी रहा था, यहूदियों का राजा, खोज तो वो तीन राजा भी रहे थे, वो थ्री वाइज किंग, खोज वो गरड़िये भी रहे थे, परंतु पिता परमेश्वर उनकी एम मोटिव्स क्या थे आज हम सीखेंगे। वचन हमसे बात करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर एक एक के हृदय से आप बात करें, कन्विक्ट करें प्रभु, कि आज हम आपको किस रीति से प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, इस एडवेंट सीजन में किस गुड न्यूज का हम वेट कर रहे हैं प्रभु। हमें वेट करना है तो आपके रैप्चर का, आपके सेकंड कमिंग का प्रभु, गुप्त आगमन का, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है प्रभु। हम सब मन फिराए उचित रीति से, और वो सारे कार्यों को पूरा कर ले जो कार्य आपने दिए हैं, शीघ्रता से करें, फुर्ती से करें प्रभु, क्योंकि समय बहुत बीत गया है। दुष्ट किसी को भी भरमाने ना पाए, हर एक डिसीविंग स्पिरिट को, डिसेप्शंस डालने वाली दुष्ट की शक्तियों को हम बांधते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी के पवित्र लहू की सामर्थ्य से, के सारे असर कट जाए, बेअसर हो जाए प्रभु। आपकी प्रजा के अकल पे परे पड़े हुए पर्दे फट जाए प्रभु, और वो अंधकार से आपकी ज्योति को की ओर आए, आज वो ज्योति को देखें प्रभु। आपके मुख का प्रकाश हम सब पर चमकाएं पिता। विशेष प्रार्थना प्रभु ब्रदर एंड सिस्टर के लिए, ब्रदर अनुपम डेविड, सिस्टर शबनम, उनके परिवार, बच्चों, प्रियजनों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, सभी पवित्र दास दासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आपका आशीष भरा हाथ हो, सामर्थ प्रभु प्रकट हो उनके जीवनों में और उनके जीवनों से प्रभु। प्रोविजन आपके ओर से प्राप्त होता है, भरपूरी आपकी ओर से प्राप्त होती है, हर उत्तम उपहार, हर उत्तम आशीष आपकी ओर से प्राप्त होती है प्रभु। मैं खोलती हूँ आपके सभी पवित्र दास दासियों की सेवकाइयों में, परिवारों में, उनके जीवनों में, आपकी आशीषें बहुतायत से खुलें प्रभु। जो बीमार है वो शिफा पाए, कोई भी कमी घटी प्रभु अगर आपके पवित्र दास दासियों के जीवन में है, जो उन्हें कमजोर करने के लिए, उन्हें भटकाने के लिए, उन्हें कमजोर बनाने के लिए है, अज्ञानता में लाने के लिए प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो प्रभु। आपका मसा सामर्थ्य रूप से एक एक आपके पवित्र दास दासी पे आ जाए प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू।